Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to share with you a makeup kit for oily skin. So keep watching. So I have already done my CDM and my eye makeup, as you guys can see. I've done kajal smudging on my eyes and bahut hi light sa makeup hone wala hai ye, because in today's video I'm going to share with you a base for oily skin, a makeup kit for oily skin, जिसमें सारी चीज़ें होंगी, प्राइमर से लेके मेकअप फिक्सर तक, एवरी थिंग. ओके, सो कीप वॉचिंग. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेसेस कैनेडा पोर फिलर प्राइमर. एज यू ऑल गाइज नो, ऑयली स्किन पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऑयल आता है ऑयली स्किन पे. सो उसके लिए मैटिफाइंग प्राइमर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी वो आप लोगों को आराम से नायका पर अवेलेबल मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. प्राइमर आपको मैं प्रेफर करती हूँ पूरे फेस पे लगाना, बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग थियोरीज हैं मेकअप को लेके. तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं पूरे फेस पे प्राइमर लगाऊँ, बिकॉज सिर्फ पोर्स जहाँ हैं वहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑयल है, ऑयल कहीं पर भी आ सकता है. ओके, टी जोन आपका नोज एरिया, एंड और अगर आप ये एरिया कवर कर रहे हो, नोज़ कवर कर रहे हो, फोरहेड कवर कर रहे हो, तो आपने ऑलमोस्ट पूरा फेस ही कवर कर लिया है. तो पूरे फेस पे ही लगा लो प्राइमर. ओके, सो या पोर्स में प्राइमर आपके अच्छे से चला जाएगा. इसको लगाने के बाद आपको बस 2 मिनट का वेट करना है, एंड हम लोग कलर करेक्टिंग करेंगे उसके बाद. सो नॉलेज मूव टू द कलर करेक्टिंग. कलर करेक्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे एली गर्ल प्रो कंसीलर. ओके, फोकस नहीं हो रहा. दिस इज अ ऑरेंज करेक्टर. डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन के लिए ऑलवेज यूज ऑरेंज करेक्टर. दिस ऑरेंज करेक्टर विल गिव यू फुल कवरेज. ओके, मतलब थोड़े से ही आपका काफ़ी पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल बहुत ईजिली कवर हो जाता है. अभी मैंने इतना ही लिया है, धीरे धीरे और लेंगे. ब्रश ले रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड दिस इज अ टोटली लोकल ब्रश. जस्ट यू नो, ब्लेंड योर प्रोडक्ट वेरी वेल. प्रोडक्ट को हमेशा अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, नहीं तो पैच वगैरह कुछ ना कुछ फेस पे रह ही जाता है. ठीक है, सो आराम से करो, टाइम लेके करो. बिकॉज ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग में लोग बिल्कुल भी ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और वहीं पे आप मिस्टेक कर देते हो. आपको ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम लेना चाहिए. सो गाइस कैन सी आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ रेडनेस एंड पिंकनेस ऑन माय चीक्स, जिसके लिए ग्रीन करेक्टर यूज होता है. बट मेरे फेस पे जो ये रेडनेस है वो आराम से फाउंडेशन से कवर हो जाती है. तो जब कोई चीज़ आपकी आराम से फाउंडेशन से कवर हो रही है, सो यू गाइस डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा लेयरिंग. सो फाउंडेशन के लिए हम लोग लेंगे इधर लैक्मे एंड फिट मी. यही मेरे पास ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट्स पड़े थे, एंड मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी. आप लोग स्टोर में जाके अपना कोई एक शेड परचेज कर सकते हो. ये पूरी किट आपको 2500 to 3000 की ईजिली पड़ेगी. ओके, ब्यूटी ब्लेंडर विल ऑलवेज गिव यू अ वेरी स्मूथ फिनिश.
see. नेक्स्ट से कोई बहुत ज़्यादा आप शेड नहीं है, ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, ठीक है। बस हल्का सा आपको अगर नेक कवर करना है आप इससे कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर पाउडर और फेस लॉकिंग। आई एम गोइंग टू टेक दिस स्विस ब्यूटी प्राइम एंड सेट लूज पाउडर। दिस विल गिव यू अ मैटिफाइंग फिनिश, एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन, जहाँ पे भी आपको मैटिफाइंग प्रोडक्ट हो या मैटिफाइंग वर्ड दिखे आप वो प्रोडक्ट ले सकते हो, ओके। बिकॉज वी नीड मैट बेस। हम जितनी भी शाइन, जिनको ग्लॉसी बेस अच्छा लगता है, हमें जितनी भी शाइन ऐड करनी है अपने फेस पे वो हमें हाइलाइटर से ऐड करनी है। बाकी हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे मैट ही होंगे, चाहे वो आपका चाहे वो आपका प्राइमर हो या आपका फाउंडेशन हो या आपका पाउडर हो, व्हाटएवर, या आपका मेकअप फिक्सर हो, कुछ भी, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड माय अंडर आई फर्स्ट विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर। एंड या इससे क्रीजिंग सबसे पहले थोड़ी कम हो जाए ब्लेंडिंग करके। ये पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है, डैब करूंगी बहुत ही लाइट हैंड से, ओके। ब्लेंडिंग यू गाइज वॉन्ट दैट योर बेस विल स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन आई विल सजेस्ट यू टू डू योर पाउडर लॉकिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही, बिकॉज इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली आपकी स्किन में लिटरली पूरा चला जाता है अच्छे से। सो इसी तरीके से आपको करना है। ये स्विस ब्यूटी का पाउडर बहुत अच्छा है, शुगर के पाउडर से भी अच्छा है ये स्विस ब्यूटी का पाउडर है। बिल्कुल भी कास्ट नहीं छोड़ता फेस पे, सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हमेशा मेकअप को सेट होने में 20 to 30 minutes लगते हैं, ठीक है। तो मेकअप को टाइम दो, जल्दीबाजी मत करो बिल्कुल भी, आराम से करो, टाइम लेके करो, ओके। और प्रैक्टिस से ही आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ क्या मिस्टेक है, कहाँ क्या मिस्टेक नहीं है। इट्स लाइक कभी कभी हम लोग फाउंडेशन ज़्यादा लगा लेते हैं, कभी कभी कम लगा लेते हैं। तो आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कितने क्वांटिटी में फाउंडेशन एक्चुअली लगाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आपको कंसीलर लगाना चाहिए, और धीरे धीरे आपका हाथ खुद ही सेट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एनी थिंग, जस्ट टू प्रैक्टिस, अलॉट ऑफ प्रैक्टिस। या नाउ हियर आई एम जस्ट टेकिंग दिस पाउडर ब्रश, और मैं रफली बस एक बार ही अपने पूरे फेस को इससे क्लीन कर लूँगी, बिकॉज कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो सारा हट जाएगा। सो फॉर कॉन्टोरिंग आई एम गोइंग टू टेक दिस स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट, एंड दिस इज अ ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोर पैलेट। एंड ये मेरी थोड़ी सी टूट गई है, इट्स ओके। एज यू कैन सी मेरा अगला हाईलाइटर पूरा खत्म हो चुका है। ये पिंक हाईलाइटर था जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, और ये कॉन्टोर शेड भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो हेयर आई हैव माई एंगुलर ब्रश। ओ प्लीज ब्रो, एंड दिस एंगुलर ब्रश इज बाय ज़ोइवा। I'm going to mix these two shades. यहाँ पे, यहाँ से we are going to start a contouring. इधर से लेके हमारी direction हमेशा हमारी lips की तरफ रहेगी, ठीक है, like this. आप लोग थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो, don't worry. जो blend होता है हमारा product contouring का वो ऊपर की तरफ होगा।
जॉ लाइन के लिए आप लोगों को बिल्कुल अपनी जॉ लाइन पे प्रोडक्ट प्लेस करना है और ब्लेंड जब आप करोगे डाउनवर्ड्स. नाउ फॉर नोज कॉन्टोरिंग यू गाइज नीड दिस काइंड ऑफ स्मॉल एंगुलर ब्रश एंड दिस इज बाय लंडन प्राइड. सी आई एम टेकिंग द सेम कॉन्टोरिंग शेड्स और इस तरीके से आपको दोनों साइड से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है एंड नीचे आते आते वी की शेप आपने अपनी नोज को देनी है लाइक दिस एंड डाउनवर्ड्स ब्लेंड करना. ओके नाउ फॉर द ब्लश अगेन आई एम टेकिंग द सेम पैलेट स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट. फॉर कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइटर आई एम गोइंग टू यूज दिस सेम पैलेट. ओके ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक शेड दिस वन. सी देन फॉर हाईलाइटर आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक शेड. जितना भी बचा है इसको थोड़ा निकालने का कोशिश करेंगे. आई डोंट नो ये कैमरा में कितना आ रहा है बट इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग. For makeup fixer, here I'm going to take this makeup fixer by Swiss Beauty and this is a very amazing makeup fixer. Swiss Beauty के सारे product ही बहुत अच्छे हैं. What you guys need to do, थोड़ा सा दूर रखना इसको अपने face से and just eyes पे आप लोग हाथ रख लीजिएगा because आपने जो eye makeup करा होगा उस पर अगर makeup fixer लग गया तो कभी कभी eye makeup melt हो जाता है. okay? So eyes पे हाथ रख के थोड़ा सा पीछे से that's it. Now this is the full look. I hope you guys will like it. Thank you so much for watching. Bye bye.